पाकिस्तान के वित्त मंत्री का दावा है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। वह अगले हफ्ते IMF के साथ डील फाइनल होने की उम्मीद कर रहे हैं। जब वित्त मंत्री ही संकट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो सुधार की दिशा में कदम कौन उठाएगा? आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान वर्तमान में कर्ज के लिए संघर्ष कर रहा है। गरीब जनता आर्थिक संकट की मार झेल रही है। वहीं दूसरी ओर दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली और सक्षम देशों के विदेश मंत्री भारत में हैं। ये सभी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। अंग्रेजों के जाने के बाद दोनों देशों ने एक साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ना शुरू किया था। आज दोनों की हालत में जमीन आसमान का अंतर है। पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद एन तरार ने भी भारत की तारीफ करते हुए पाकिस्तान के हालात बयां किए हैं। साजिद एन तरार ने लिखा, दक्षिण एशिया में कितना विरोधाभास है। एक पड़ोसी G20 के रूप में कूटनीतिक सफलता की बुलंदियों को छू रहा है, दूसरे ने एक जूनियर पूर्व राज्य मंत्री के घर से अभी अभी 12 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह पवित्र भूमि है। क्या उन्हें IMF की जरूरत है? यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका में रहने वाले कारोबारी साजिद ने पाकिस्तान पर तंज कसा है। तरार पाकिस्तान पर कसते रहते हैं तंज। साजिद ने बुधवार को एक ट्वीट किया, रूस के विदेश मंत्री ने अभी अभी नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका प्रतिनिधि मंडल अपने बैग खुद लिए हुए है। दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तानी मुगल बादशाह और उनकी शाही आदतें हैं। दुनिया भर के विशेषज्ञ पाकिस्तान के बारे में चिंताजनक भविष्यवाणियां कर रहे हैं। पाकिस्तानी मामलों के जानकार माइकल कुगेलमैन का कहना है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। वित्त मंत्री को नहीं दिख रहा संकट। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस महत्वपूर्ण क्षण में अपनी मदद के लिए दुनिया पर भरोसा नहीं कर सकता है। तमाम चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान के वित्त मंत्री यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में किसी तरह का कोई संकट है। एक ट्वीट में उन्होंने आर्थिक मुसीबतों को अफवाह करार दिया और कहा कि सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में जा रहा है। इशाक डार दावा कर रहे हैं कि IMF के साथ वार्ता अपने अंतिम चरण में है और अगले हफ्ते स्टाफलेवल एग्रीमेंट पर साइन किए जाने की उम्मीद है।